नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आप सबको बीएन क्लास में तो यहां पे इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड पार्ट है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का सेकंड पार्ट है इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का क्वेश्चंस किस टाइप का आया था प्रीवियस ईयर में तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड पार्ट होगा और हम बात करेंगे कि इस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आप हंड्रेड परसेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो वीडियो को शुरू करते हैं देखिए आज का पहला क्वेश्चन है द पोजिशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स ए बी सी ओके पोजिशन ऑफ थ्री एलिमेंट ए बी एंड सी तीन एलिमेंट का पोजिशन दिया दिखाया गया है यहाँ पे टेबल में इन द पीरियोडिक टेबल्स इट सोन बिलो तो इस टाइप का दिया है ग्रुप सिक्सटीन और ग्रुप सेवनटीन का एलिमेंट दिया है यहाँ पे बी यहाँ पे ए एन यहां पे सी इस टाइप से दिया गया है उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा नीचे में गिविंग रीजन एक्सप्लेन द फॉलोइंग आपको रीजन भी देना है और आपको क्या करना है एक्सप्लेन करना है एलिमेंट ए इज ए नॉन मेटल एलिमेंट ए जो है नॉन मेटल है आपको बताना है एलिमेंट ए नॉन मेटल क्यों है आपको रीजन बताना है फिर सेकेंड क्वेश्चन है एलिमेंट बी हैज ए लार्जर एटमिक साइज देन एलिमेंट सी एलिमेंट बी जो है सी से बड़ा है इसको भी आपको रीजन देना है एलिमेंट सी हैज ए बैलेंसी ऑफ वन तो ये क्वेश्चन से इस टाइप के क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आपको थ्री मार्क्स रहेगा ओके वन वन मार्क्स ऑप्शन कंटेन मार्क्स ओके एक एक मार्क्स रहेगा आपका ए बी सी में वन वन मार्क्स टोटल थ्री मार्क्स होगा तो आप कैसे आंसर लिखेंगे वो शॉर्ट में आप आंसर लिख सकते हो इसको कैसे आंसर लिखेंगे देखिए तो एलिमेंट ए इज नॉन मेटल ऑलरेडी हमको पता है एलिमेंट ए जो है नॉन मेटल है लेकिन इसका रीजन दिखाना है क्या है एलिमेंट ए इज नॉन मेटल बिकॉज इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन सो नॉन मेटल का कैरेक्टर्स क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल इट गेन इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ठीक है एज इट हैज सेवन बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयोन्स विद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो क्या होता है ग्रुप ग्रुप सेवनटीन का जो एलिमेंट होता है हेलोजन ग्रुप भी हम उसको बोलते हैं उसका आउटरमोस्ट सेल में कितना सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है और इसको और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है डेट मीन बिकॉज इट इज ए नॉन मेटल्स एज इट रिक्वाइर्ड वन इलेक्ट्रॉन टू फिलअप इट ऑक्टेट ऑक्टेट फिलअप करने के लिए उसको वन इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है इसलिए ये नॉन मेटल है आप दिमाग में रखिए जो भी नॉन मेटल होता है उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ठीक है एंड इट फॉर्म द नेगेटिव आय ठीक है ये हो गया पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या है एलिमेंट बी हैज ए लार्जर एटमिक साइज देनि एलिमेंट सी जो बी है बी सी से बड़ा है आपको रीजन बताना क्यों बड़ा है इट इज बिकॉज बी हैज लेज़र एटॉमिक नंबर्स लेस लेस न्यूक्लियर चार्ज लेस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन ओके तो इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा सब, ज़, ज़, जैसे मान लीजिए सो एटॉमिक नंबर जिसका कम है जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसका आ, क्या बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटोन्स इज लेस ओके अब मान लीजिए बी का नंबर ऑफ प्रोटोन लेस है सी से तो क्या होगा क्या होगा इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा इसका कम होगा अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आउटर मोस्ट सील का सील को कम खींचेगा ठीक है कम खींचेगा जिसके पास आ, प्रोटोन ज्यादा है दैट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा आउटोमोस सेल का जो सेल जो है उसको अपनी तरफ बहुत जोर से खींचेगा और ये छोटा हो जाएगा दैट मींस आपको क्या पता करना है यहां से बी और सी में से सी का जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है कम है एज कंपेयर टू सी अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो जो मोस्ट सेल जो है उसको कम खींचेगा अंदर की तरफ और ये बड़ा रहेगा और लेकिन ये जो सी केस में है सी का केस में क्या होगा मोस्ट सेल को ज्यादा खींचेगा इसलिए क्या हो जाएगा वो छोटा होते होते अंदर की तरफ घुसते घुसते आता है इसलिए बी इज लार्जर देन सी वही बात यहां पे बताया गया है ठीक है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन में है एलिमेंट सी हैज बैलेंसी ऑफ वन एलिमेंट सी जो है सी जो एलिमेंट है उसका बैलेंसी कितना है वन है जैसे हमने देखा एलिमेंट सी ग्रुप सेवेंटीन में है और इसका आउटरमोस सेल में सेवन इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है सेवन इलेक्ट्रॉन होता है सो so, बेलेंसी क्या होता है बेलेंसी मीनस द कंबाइनिंग कैपेसिटी अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है So, कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इक्वल टू वन ओके इसका बैलेंस कितना, okay? कितना हो जाएगा वन हो जाएगा आपको ये रीजन बताना है क्योंकि जो ग्रुप सेवनटीन का एलिमेंट से है उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन है और उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है इसलिए उसका बैलेंसी वन है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू है यहां पे पोजिशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन पिरोडिक टेबल इज सोन बिलो सो पिरोडिक टेबल का एलिमेंट दिखाया गया है एवी सी एलिमेंट है दैट मीनस इसी टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में ठीक है सो ग्रुप दिया है ये इधर ग्रुप है और ये नीचे में पीरियड है पीरियड वन टू थ्री ग्रुप वन टू थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन तो ऊपर वाला ग्रुप है ये नीचे वाला पीरियड है तो आपको रीजन बताना है एलिमेंट ए इज नॉन मेटल अभी हमने बताया एलिमेंट ए जो है नॉन मेटल क्यों है जो पहला वाला क्वेश्चन में जो रीजन बताया था इसमें भी वही लिख सकते हैं फिर बी में क्या है एटम ऑफ एलिमेंट सी हैज ए लार्जर साइज देन एटम ऑफ एलिमेंट ए उसी टाइप का क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन है आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो एलिमेंट बी हैज ए बैलेंसी ऑफ वन सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया है थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का डिजाइन को चेंज कर दिया लेकिन आपका आंसर सेम टू सेम रहेगा कैसे रहेगा अभी हम इसको बताएंगे ठीक है सो क्या बोला इसका जो पहला वाला क्वेश्चन था एलिमेंट ए इज नॉन मेटल क्यों नॉन मेटल है इसका आउटर मोस्ट सेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है सेवन बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको वन इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है सो इट इज ए नॉन मेटल वन इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो नॉन मेटल होता है दैट जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है खींचता है इलेक्ट्रॉन अपने में लेता है उस वो नॉन मेटल होता है सो so, इसके पास सेवन इलेक्ट्रॉन है वन इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए सो so ये क्या हो गया नॉन मेटल हो गया फिर बी में क्या है एटम ऑफ एलिमेंट सी इज लार्जर ओके सी इज लार्जर देन ए देखिए जो लेफ्ट साइड पे है हमेशा बड़ा होता है राइट साइड के कंपेयर में क्यों सेम रीजन है सी हैज मोर नंबर ऑफ सेल देन ए सो इट इज लार्जर ओके यहां पे सेल ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा सी का सेल ज्यादा होने के कारण वो बाहर के सेल को अच्छे से नहीं खींच पाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका कम हो जाएगा सेल बढ़ने के कारण क्या होगा नंबर ऑफ सेल जो है बढ़ते बढ़ते जाता है इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कम जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम जाएगा तो बाहर के सेल को नहीं खींच पाएगा और बाहर का सेल बाहर ही रह जाएगा और बड़ा दिखेगा बड़ा रहेगा ठीक है so, सो ये हो गया रीजन देन सी में एलिमेंट बी हैज ए बैलेंस सी ऑफ वन सेम टू सेम ओके एलिमेंट बी जो है एलिमेंट बी कौन सा है मैं एलिमेंट बी ग्रुप वन में है ग्रुप वन में मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में इसके पास वन इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ग्रुप वन का एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल में वन इलेक्ट्रॉन है सो इट कैन डोनेट ओके इट कैन लूज ये लूज कर सकता है और दैट मीन डोनेट कर सकता है वन इलेक्ट्रॉन और स्टेबल बन जाता है दैट मीन्स आपका बैलेंस का मतलब क्या होता है कितना इलेक्ट्रॉन देता है कितना इलेक्ट्रॉन लेता है यहाँ पे क्या है जो एलिमेंट uh, बी है ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दैट मीनस लूज करेगा और इसका बैलेंस क्या हो जाता है वन होता है ठीक है कभी कभी एलिमेंट क्या करते हैं ले इलेक्ट्रॉन को लेते हैं कभी कभी इलेक्ट्रॉन को देते हैं लेना और देना को ही हम बोलते हैं बैलेंसी कितना देता है कितना लेता है उसी को हम एज ए बैलेंसी काउंट करते हैं ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन इस टाइप का और वीडियो में पहली बार आप विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल में पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले आने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग गॉड ब्लेस यू